श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में नदियों में ही अस्थि विसर्जन क्यों करते हैं। बहुत दिनों से हमारे मन में बार बार प्रश्न घूम रहा था और मैं सोच रहा था कि अस्थि विसर्जन नदियों में ही क्यों करते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग के मन में ये बातें घूम रही होगी कि नदी में ही क्यों करते हैं अस्थि विसर्जन, मृत शरीर का अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है। मैं पर्सनली जिस धर्म से संबंध रखता हूं वह शास्त्रों के अनुसार मृत शरीर को दफनाने का नहीं बल्कि जलाने का रिवाज है। इसलिए मन में यह सवाल आता है क्यों हम अंतिम संस्कार जैसे रीति को निभाते हैं, आपके मन में भी आता होगा। अस्थि विसर्जन का कारण क्या है, हम क्यों अस्थियां घर में नहीं रख सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग दिमाग में घूमता रहता है। अब हम विसर्जन पे आते हैं। यदि हम अपने शास्त्रों की बातों को निभाते भी हैं तो उसके बाद शरीर की बची हुई राख को हम गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में क्यों बहा देते हैं। वह संबंध जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके जाने के बाद भी हमारा उसका साथ कहीं ना कहीं मोह बंधा हुआ रहता है। इसलिए कभी कभी मन में आता है कि उनके जाने के बाद शायद उनकी जली हुई राख ही उनकी एक आखिरी निशानी है। अगर उसे भी हम नदी में बहा दें तो हमारे पास क्या बचता है, लेकिन रिवाज तो रिवाज है जिसे हमें निभाना ही है। हमारी संस्कृति ही हमें शास्त्रीय बातों को जीवन में अमल करने का पाठ पढ़ाती है। लेकिन अपने इस प्रश्न का जवाब जब मैं ढूंढा तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और जो मेन मुद्दा है वो मैं एक संक्षिप्त में कहानी के रूप में आपको सुना देता हूं और फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा। अति प्राचीन काल में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है ये जो निर्दयी था। उसने जीवन भर ना तो कोई अच्छा काम किया और ना ही वो करना चाहता था। वो अपने परिवार वालों के साथ वो अन्य लोगों को बहुत परेशान करता था। उसके जीवन में शायद पुण्य नामवली का कोई अर्थ था ही नहीं, इसलिए वो केवल पाप ही कमाता था। एक दिन अचानक वो पास के एक जंगल में गया जहां एक बाघ का शिकार बन गया। उसके मरने के तुरंत बाद ही यमराजपुर सेवक आया और उसे लेकर चले गए। अभी इधर जो बॉडी का जो पार्ट पड़ा हुआ था कुछ छोटे छोटे जानवर भी खा रहे थे। इसी बीच कुछ उड़ने वाले जीव भी भोजन की तलाश में उसमें शरीर के पास पहुंचे। अचानक एक जीव हड्डी के टुकड़े को अन्य जीवों से छिपाता हुआ आकाश में उड़ गया, और ठीक उसके पीछे दूसरा जीव भागा और दोनों में उस हड्डी के टुकड़े को हासिल करने का संघर्ष होने लगा। इसी बीच यमलोक का दृश्य कुछ और ही था। वहीं यमराज के सेवक चित्रगुप्त द्वारा उस व्यक्ति के पापों का हिसाब लगाया जा रहा था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। चित्रगुप्त एक एक करके यमराज को व्यक्ति के पापों का ब्यौरा दे रहे थे जिसके आधार पर उसे विभिन्न नर्क हासिल करने की आशंका जताई जा रही थी। तभी अचानक धरती लोक पर जहां उस व्यक्ति के मृत शरीर की हड्डी को लेकर दो जीव लड़ रहे थे, अचानक उनके मुंह से हड्डी गिर गई और सीधा गंगा नदी में जाकर गिरी। गंगा नदी में हड्डी के पवित्र होते ही उस इंसान के सारे पाप धुल गए और उसे मिलने वाले नर्क की सजा माफ कर दी। गंगा नदी जो कि भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती लोक पर आती है, उनकी पवित्रता शिव जी के नाम से जुड़ने से ही बन जाती है, इसलिए धरती लोक में सबसे पूजनीय नदी गंगा ही है जिसमें स्नान करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता बनी हुई है। वैसे केवल ये कहानी नहीं है, साथ ही हिंदू धर्म के कुछ महान ग्रंथों में भी अस्थि विसर्जन के व्याख्यान पाए गए हैं। संत स्मृति एवं कर्म पुराण में गंगा नदी में ही क्यों अस्थि विसर्जन करना शुभ है इसके तथ्य पाए गए हैं। इस नदी की पवित्रता को दर्शाते हुए ही वर्षों से अस्थियों को इसमें विसर्जन करने की महत्ता बनी हुई है। अन्य नदियां भी हैं, हिंदू धर्म के अलावा सिख धर्म में भी अस्थि विसर्जन किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो गंगा नदी में ही हो, परंतु मान्यता अनुसार एक पवित्र नदी का ही इसके लिए चुनाव किया जाता है। लेकिन शास्त्रों में खास तौर पर अस्थि विसर्जन को गंगा नदी से जोड़कर ही देखा गया है। अभी हरिद्वार और प्रयाग पे आते हैं। धार्मिक स्थल जैसे कि हरिद्वार प्रयाग यदि में गंगा का वास है जहां एक बड़े स्तर पर विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक
गंगा नदी में ही रहती है। गंगा नदी धीरे धीरे उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के पाप को खत्म करती है और उससे जुड़ी आत्मा के लिए नया मार्ग खोलती है। इसका एक वैज्ञानिक पहलू है, इंसान की अस्थियां एवं नदी को वैज्ञानिक रूप से भी जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि नदी में प्रवाहित मनुष्य की अस्थियां समय समय पर अपना आकार बदलती रहती है, जो कहीं ना कहीं उस नदी से जुड़े स्थान को उपजाऊ बनाती है। जिस भी धरातल को नदी का पानी छूटता है वह स्थान उपजाऊ बन जाता है। इसका यह अर्थ है कि मरने के बाद भी इंसान की अस्थियां प्रकृति को एक नया जीवन देने के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।